Hello my dear student, welcome to Bala Biology World. Today we will be discuss about class Mammalia and ये जो Mammalia class है ये animal kingdom का last lecture, right? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक word सीखेंगे जो word Latin word से derive हुआ, ठीक? और वो word का नाम है Mamma, MAMMA, Mamma. Mamma मीनिंग क्या है? लैटिन में मैमा का मीनिंग होता है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, ठीक? तो ये जो भी मैमालिया है, एनिमल मैमालिया है, इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट ब्रेस्ट, ठीक? और ब्रेस्ट को मैमालिया क्लास में क्या बोलते हैं? मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, राइट? अब देखिए, ये जो मेमरी ग्लैंड, they have the capacity to produce milk. क्या production करेगा बच्चों? ये जो mammary gland, ये क्या production कर सकता है? Milk production कर सकता है. And they are, mammals are only animal which nourish their young on with milk. ये ऐसा एक animal है जो खाली क्या करता है? खाली यही animal जिसका बच्चा का परवरिश कैसे करता है? मिल्क से करता है, ये बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है? अब देखिए मेमरी ग्लैंड, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक मेमरी ग्लैंड बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है? अब देखिए, मानिए कि ये कोई एक जस्ट एक ह्यूमन फिगर, ठीक है? जस्ट मैं सिंपलीफाइड डायग्राम बनाने का कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है? हाँ, ये मानिए कि कोई लेडी है, जबकि यहाँ पर ऑल मैमल इंक्लूड हो रहा है, राइट? एक लेडी है और यहाँ पर बाकी ऑर्गन मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? बाकी ऑर्गन में मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक? तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट है, ठीक? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली इट इज मेमरी ग्लैंड, ठीक है? MAMMARY, मेमरी ग्लैंड. और ये मेमरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं. और ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड मेमा से ये आया. और मैं एक स्टेटमेंट आप याद रखना है, मैं बोल चुका हूँ, ओन मैमल्स आर ओनली एनिमल व्हिच नरिश देयर यंग ऑन्स विथ मिल्क, ठीक? अब दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर फोकस करते हैं, जो मैमल का दूसरा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर नंबर वन, दे हैव मेमरी ग्लैंड, राइट? एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड बाय हेयर. बॉडी ऑफ देम, बॉडी ऑफ मैमल्स, मैमल्स आर कवर्ड, कवर्ड बाय हेयर्स, हेयर से कवर्ड रहता है, ठीक? यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये बना देता हूँ क्योंकि ये फीमेल फिगर है, राइट? तो ऐसा है. अब देखिए, दो कैरेक्टर बताया कि दे हैव मेमरी ग्लैंड एंड बॉडी ऑफ मैमल्स आर कवर्ड बाय हेयर्स. इसका बॉडी हेयर से ढका हुआ रहेगा, ये बात याद रखना. दूसरा, यहाँ पर तीन नंबर कैरेक्टर में, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, WARM, वार्म, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक? इसका मतलब क्या है कि दे हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है? ये क्या कर सकता है? ये इसका बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम भी मैमल्स में आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आते हैं, और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली, ठीक है? तो हम अगर ठंडा रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, मानिए कि कोई भी आर्कटिक रीजन में या अंटार्कटिका में चला जाते हैं, तो क्या होता है? अपना बॉडी टेम्परेचर जीरो डिग्री में नहीं आता, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ पर रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस में ही रन करेगा, ठीक है? तो इसलिए हम क्या हुए? वार्म ब्लडेड एनिमल. और वार्म ब्लडेड एनिमल को और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते एंडोथर्मिक एनिमल, एंडोथर्मिक एनिमल, राइट? और एक नाम से इसको जाना जाता है,
ठीक, जिसको बोलते होमियोथर्मिक एनिमल, HOMOIOTHERMIC, होमियोथर्मिक एनिमल, ये बात याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए, अब और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर आपसे डिस्कस मुझे ज़रूर करना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैमालियन बॉडी है, यहाँ पर मैंने हाथ पैर की कुछ नहीं बनाया, जस्ट एक फिगर बनाया यहाँ पर सिंप्लीफाइड, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बॉडी ऑफ मैमल्स प्रेजेंट पोजेस सेवरल ग्लैंड्स, ठीक है। मैमालियन बॉडी में कोई भी मैमल्स हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, ठीक है, जीराफ हो, गाय भैंस, ठीक है, मंकी हो, ओरांगोटंग हो, ये सारा मैमल्स में आता है। तो ये मैमल्स क्या करता है बताइए, ये ह्यूमन बीइंग, इसका बॉडी क्या रहता है बताइए, इसका बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। किस तरह का ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक तो ऑयल ग्लैंड, OIL, ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा और एक तरह का ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, क्या बोलते हैं बच्चों, SWEAT, स्वेट ग्लैंड, ठीक। पसीना आता है, देखना पसीना आता है अपना ग्लैंड बॉडी पे, जब बहुत गर्मी होता है तो पसीना आता है, तो पसीना कौन सा ग्लैंड से रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड से रिलीज होता है। और देखना, हम सुबह जब नींद से उठते हैं तो नाक के दो साइड में अगर अपने हाथ लगाया तो क्या होता है, हाथ में थोड़ा ऑयली फीलिंग्स आता है, तो वो कौन सा ग्लैंड का सेक्रेशन, ऑयल ग्लैंड का सेक्रेशन। और पसीना कहाँ कौन सा ग्लैंड से आता है, स्वेट ग्लैंड से आता है। अब देखिए यहाँ पर और एक जानने वाला बात है, ये जो ऑयल ग्लैंड है इसको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड भी बोला जाता है, CEOUS, सीबेसियस ग्लैंड, दैट्स मीन ऑयल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सीबेसियस ग्लैंड, एंड सीबेसियस ग्लैंड कैन रिलीज ऑयल और सीबम, राइट, ये याद रखना। दूसरा बात, ये जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड का और एक नाम क्या होता है बताइए, इसका नाम होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड, क्या नाम होता है बच्चों, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सुडोरीफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड सुडोरीफेरस ग्लैंड एंड इट कैन प्रोड्यूस स्वेट। बात समझ में आया बच्चों। नाउ टीथ ऑफ मैमल्स आर हेटेरोडोंट, थेकोडोंट एंड डाइफियोडोंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। मैमल में कितना तरह का दांत हो सकता है, उनको हेटेरोडोंट भी बोला जाता है, उनको थेकोडोंट भी बोला जाता है, एज वेल एज डाइफियोडोंट भी बोला जाता है। और आप ये नाम सुन के घबराएगा मत बच्चों, मैं आपके पीछे हूँ, ठीक है, एक एक करके मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं कि हेटेरोडोंट, मैमल्स को हेटेरोडोंट क्यों बोला जाता है। देखिए मानिए कि हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ह्यूमन में मानिए कि ये एक जॉ, ठीक, ह्यूमन में दो जॉ रहता है, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, ठीक। तो मानिए कोई भी एक जॉ, ये अपर जॉ भी हो सकता है लोअर जॉ, चलिए लोअर जॉ मैंडिबल मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको चार तरह का दांत मिलेगा, ठीक, ऐसा सामने ऐसा चार दांत मिलेगा, जो दांत को क्या बोलेंगे, ये चार दांत को, ये जो हमें बोलेंगे इंसिजर, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे INCISOR, इंसिजर, ठीक। उसके बाद एक दांत और रहेगा जिसका शेप थोड़ा सा इस तरह का कुत्ता जैसा रहेगा, ये दांत मतलब मांस खाने वाला जानवर जैसा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटेड रहेगा, ये जो दांत है इसका नाम है कैनाइन, ये दांत का नाम क्या है, कैनाइन। अब देखिए यहाँ पर और एक मुद्दा का बात है, ये जॉ को, एक जॉ को अगर हमने कट कर दिया, ठीक है, इस तरह से कट कर दिया, ठीक, तो दो हिस्सा बनता है, तो ये मानिए लोअर जॉ का दो हिस्सा हुआ, और अपर जॉ को भी अगर इस तरह से हिस्सा करेंगे तो क्या होता है, वो भी दो हिस्सा होता है, तो टोटल हमारे पास चार हिस्सा मिलता है, ठीक। तो एक हिस्सा का हिसाब करेंगे हम, ठीक, तो एक हिस्सा में कितना दांत है, एक दो इंसिजर, ठीक, और इधर ये हिस्सा में कैनाइन कितना है, कैनाइन हो गया एक, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर और दो दांत मिलता है जिसको बोलेंगे प्रीमोलर, क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो दांत है इसको बोलेंगे प्रीमोलर, ये दो दांत को बोलेंगे प्रीमोलर, ठीक। तो प्रीमोलर नंबर में कितना है, ये भी दो है,
ठीक, और इधर साइड में दो रहेगा ऐसा, इधर साइड में दो रहेगा राइट, और लास्ट में यहाँ पर और तीन दांत रहता है ठीक, बड़ा बड़ा ऐसा तीन दांत रहता है ठीक है। ये इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ पर बड़ा बड़ा और तीन दांत रहता है ठीक, जो ऐसा ऐसा तीन दांत रहता है राइट। और ये जो दांत है इसको क्या बोलते बताइए, इसको बोलते मोलार, क्या बोलते इसको, इसको बोलते मोलार ठीक, ये तीन दांत को मोलार बोलते हैं, एम ओ एल ए आर मोलार। हम ह्यूमन के बारे में देख रहे हैं ठीक है, अलग अलग एनिमल का डेंटल फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो ये तीन है नंबर में। तो ये होता है देखिए यहाँ पर चार तरह का अलग अलग दांत दिख गया, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलार। तो इंसाइजर नंबर में है दो, कैनाइन है एक, प्रीमोलर दो और मोलार हो गया तीन। तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ, 2-1-2-3 by 2-1-2-3। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज एडल्ट ह्यूमन, ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला ADULT, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 2-1-2-3 by 2-1-2-3 ठीक है। बच्चों आपके लिए दो क्वेश्चन मैं और यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ बेबी एंड व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीनेजर, दो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ बेबी एंड व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीनेजर। तो देखिए यहाँ पर और एक मुद्दा का बात आपको सिखाना है, देखिए ये एक साइड का हिसाब किया हमने, एक साइड का ठीक, तो एक साइड में कितना दांत हो रहा है, 2-3-4-5-6-7-8 ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कितना हिस्सा हो गया, चार हिस्सा ठीक, तो 4 × 8 तो टोटल ह्यूमन में कितना दांत रहता है, 4 × 8 = 32 तो ह्यूमन बींग में कितना टीथ रहता है, 32 टीथ रहता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से चार तरह का दांत ह्यूमन में दिखता है, इसलिए ये मैमल्स को क्या बोलते हैं, हेटरोडोंट ठीक है, ह्यूमन भी मैमल्स है तो इसको हेटरोडोंट बोलेंगे। अब देखिए अब इसको थेकोडोंट क्यों बोलते हैं, थेकोडोंट इसलिए बोलते हैं देखिए यहाँ पर ये क्या है, जॉ ठीक, ये जॉ है, तो जॉ में क्या होता है, बोन, जॉ में क्या होता है बच्चों, बोन होता है ठीक, तो ये मानिए कि लोअर जॉ, तो लोअर जॉ को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। अब क्या होता है, दांत जो है ये क्या रहता है, ये जॉ बोन के अंदर इसका रूट इंसर्टेड रहता है, हर एक दांत का क्या होता है, ये जॉ बोन के अंदर इसका जो टीथ का जो रूट है ये इंसर्टेड रहता है इस तरह से, इसीलिए ये जो मैमल है इसको बोलते हैं थेकोडोंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कि टीथ इज इंसर्टेड इनसाइड द जॉ बोन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थेकोडोंट। Is that clear to everyone? I think clear to everyone, right? अब इसको यहाँ पर क्या है, diphyodont क्यों बोलेंगे, देखो डाई मतलब क्या होता है बच्चों, डाई मीन होता है टू ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैमल से उसका जीवन काल में दो बार दांत आता है ठीक है, डेवलप ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ, टीथ इज डेवलप ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं diphyodont। देखना ये बच्चा में एक बार दांत आता है छोटा दांत, वो दांत गिर के फिर परमानेंट टीथ आता है ठीक है, तो पहले जो टीथ आता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ एंड बाद में जो टीथ आता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ ठीक। अब दूसरा बात, ये तो हो गया ये तीन स्टोरी, आई थिंक आपके पास क्रिस्टल क्लियर है। तो दूसरा बात यहाँ पर और कैरेक्टर आपके लिए वेट कर रहा है मैमल्स का, देखिए मैमल्स कॉन्टेन 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, कितना सर्वाइकल वर्टिब्री रहता है, देखिए यहाँ पर से हैव मोस्ट ऑफ मैमल कॉन्टेन 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, हैव HAVE 7 सर्वाइकल वर्टिब्री ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक डायग्राम और आपके लिए बनाना चाहूँगा देखिए ये क्या है, ये मैं मानिए कि ये मैं कोई ह्यूमन फिगर बनाने जा रहा हूँ ठीक, तो पूरा नहीं बनाऊँगा आपको भी पता है राइट, इस तरह से चलो ये एक शेप दे देता हूँ, हाँ ये एक ह्यूमन फिगर है, चलो यहाँ पर इसका कर देता हूँ ऐसा ठीक, ये कुछ बाल भी बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है ठीक है इसको क्या बोलते हैं नेक ठीक, तो नेक
क्या नेक से यहाँ पर देखना, पीछे से क्या जाता है, बैकबोन, क्या जाता है बच्चों, बैकबोन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो ये नेक में मैमल्स में हमेशा क्या रहेगा, 7 बोन रहेगा ठीक। तो नेक में जो बोन रहता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल बोन ठीक। अब देखिए आप एक और एनिमल में बनाता हूँ, हमारा जितना भी नेक है छोटा सा उसमें क्या रहेगा, 7 बोन रहेगा। और पहला जो बोन है उसका नाम है एटलास, एटलास पहला फर्स्ट सर्वाइकल बोन इज कॉल्ड एटलास एंड सेकेंड सर्वाइकल बोन इज कॉल्ड एक्सिस, एक्सिस एंड नेक्स्ट 5 बोन आर सेम ठीक है, ये एक जैसा दिखता है और ये अलग दिखता है और नेक्स्ट जो 5 बोन है वो एक जैसा दिखता है, इसलिए वो जो 5 बोन है उसको बोलते हैं टिपिकल, टिपिकल सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री ठीक। तो देखिए ये बात याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट सर्वाइकल बोन का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एटलस, सेकेंड सर्वाइकल बोन का नाम क्या है, आप बोलेंगे एक्सिस एंड नेक्स्ट जो 5 बोन एक जैसा दिखता है उसका नाम क्या है, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। अब देखिए यहाँ पर गर्दन में तो हमारा 7 बोन रहेगा, तो आप यहाँ पर मैं एक एनिमल बनाने जा रहा हूँ बच्चों, इसका नाम आप मुझे बताइए, तो ये कौन सा एनिमल है, ये बताइए तो कौन सा एनिमल है बच्चों जिसका नेक रियली रियली क्या होता है, बताइए, रियली रियली बहुत ही मैसिव और बिग होता है ठीक है। देखिए ये कोई एनिमल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ ठीक, जस्ट यहाँ पर रफली मैं ये बना दे रहा हूँ ठीक। तो देखिए इसका बॉडी में इस तरह का पैचेस रहेगा, तो इसका शेप देख के कोई भी बता देगा, कोई भी स्टूडेंट, मेरा जो स्टूडेंट है कोई भी बता देगा कि ये क्या है, जिराफ है ठीक। तो जिराफ हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग नेक, तो ये भी क्या है, मैमालिया के अंदर आता है। तो क्या आप मानना चाहेंगे कि जिराफ में भी 7 सर्वाइकल बोन है, हाँ ये भी सच है बच्चों कि जिराफ ऑल्सो हैव 7 सर्वाइकल बोन ठीक है। तो ऐसा है, सिर्फ एक एनिमल में ऐसा नहीं है, मेरा जानकारी में एक एनिमल है जिसका 7 सर्वाइकल बोन नहीं है, ये एक्सेप्शन है, उसका नाम आप याद रखना, उसका नाम है स्लोथ, क्या नाम है बच्चों, उसका नाम होता है SLOTHS, स्लोथ्स, स्लोथ्स में ये एक्सेप्शन है, उनमें 7 नहीं रहता, 7 से कुछ स्लोथ्स में 7 से ज़्यादा रहता है, कुछ स्लोथ्स अलग प्रजाति का उसमें 7 से कम रहता है, तो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। Now, skull of mammal is dicondylic. Mammal का skull कैसा रहेगा? Dicondylic skull रहेगा, ठीक है? What is the meaning of dicondylic skull? देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने कि मैं यहाँ पर human का skull बनाया, ठीक है? और आप इस skull को कहाँ से? पीछे से देख रहे हैं, ठीक? ये skull को आप पीछे से देख रहे हैं, ठीक? और ये किसका skull है? ये है मानिए कि ये ह्यूमन का स्काल है, ठीक? तो ये हो गया स्काल, और स्काल के पीछे यहाँ पर क्या रहेगा, एक विग ओपनिंग रहेगा जिसको बोलेंगे, जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मतलब ब्रेन बॉक्स के अंदर घुसता है, तो ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग को बोलेंगे फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम ठीक। तो ये स्कल के जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको सूचर देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा सूचर रहता है, ठीक है, सूचर रहता है। स्कल इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ बोन, असेंबलेज ऑफ लॉट्स ऑफ बोन ठीक। तो यहाँ पर ये फोरामेन मैग्नम दिख रहा है, और फोरामेन मैग्नम का दो साइड में यहाँ पर आके, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फर्स्ट वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एटलास, ये जगह पे आके ये जो मतलब प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन को बोलते ऑसिपिटल कॉन्डाइल, क्या बोलते ऑसिपिटल, OCCI ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल नंबर में कितना दिख रहा है, यहाँ पर ये एक है और इधर एक है, दो,
ठीक है। तो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइली कॉन्डाइल दिख रहा है, इसलिए इसको मैमल्स को क्या बोला गया, डाइकोंडाइलिक, ठीक है। द स्कल ऑफ मैमल इज डाइकोंडाइलिक, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, यहाँ पर आके पहला जो वर्टिब्री, जैसे कि मैंने बताया था एटलास वर्टिब्री, ये आके मतलब अटैच होता है। उसके बाद सेकेंड वर्टिब्री कौन है, एक्सिस। उसके बाद कौन है, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। इस तरह से क्या होता है, जुड़ता है और बैकबोन बनता है, और उसके अंदर से क्या जाता है बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। दूसरा बात यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, कि रेस्पिरेशन बाय लंग, मैमल्स हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड दे रेस्पायर बाय लंग, LUNG, सांस लेते हैं ना हम, सांस लेते तो किसके थ्रू, किसके सहारे में लेते हैं, ये लंग हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है, और ऑल मैमल्स का, हम मैमल्स में ही आते हैं, ठीक। दूसरा बात यहाँ पर ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, मैमल्स में एक और खासियत रहता है, लंग तो जैसे कि एम्फीबियम में पाया जाएगा, लंग रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा बड़ी बात है, कोई इसमें उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक। पर इंपॉर्टेंस किस में है, मैमल्स में एक चीज़ दिखता है जो बाकी एनिमल में नहीं दिखता, जैसे कि इसमें क्या रहता है, दे हैव मस्कुलर डायफ्राम, DIAPHRAGM, ठीक। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखेगा बच्चों, दे हैव मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है। जैसे कि डायफ्राम आप कैसे सेंस करेंगे, जैसे कि हम सांस लेते, सांस लिया तो देखना अपना जो छाती है, छीना है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। जब सांस छोड़ दिया, करके सांस छोड़ दिया, तो ये नीचा हो जाता है, तो ये किसके वजह से अप डाउन होता है बताइए, ये मस्कुलर डायफ्राम के वजह से अप डाउन होता है, ठीक। तो ये मस्कुलर डायफ्राम सिर्फ किस में दिखता है, मैमल्स में ही दिखता है, ठीक। अब देखिए बॉडी जो है, बॉडी ऑफ मैमल इज डिवाइडेड इंटू 3 cavity, ठीक है। सिलोम डिवाइडेड इंटू 4, सिलोम डिवाइडेड इंटू 4 cavity, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ COELOME, सिलोम डिवाइडेड इंटू 4 cavity, 4 cavity में सिलोम डिवाइड हो जाता है, और ये कैविटी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके उसको बता देता हूँ। पहला जो कैविटी आप मैं डिस्कस करना चाहूँगा उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या रहता है, हार्ट रहता है, ठीक है। आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन जो हार्ट, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। वो अलग बात है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट, ठीक। और हार्ट किसके अंदर रहता है, हार्ट रहता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, ठीक, जो एक सिलोमिक कैविटी। दूसरा कैविटी का नाम क्या है, यहाँ पर आता है दो प्लूरल कैविटी आता है, एक पेरिकार्डियल कैविटी रहता है क्योंकि हार्ट एक रहता है, और दो रहता है टू प्लूरल कैविटी, PLEURAL, प्लूरल CAVITY, ठीक है। और प्लूरल कैविटी में क्या रहता है, लंग्स रहता है, ठीक है। तो लंग्स नंबर में कितना है, दो है, इसलिए दो प्लूरल कैविटी रहता है। और एक है जिसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, जिसको हम हमारा पेट को बोला गया, तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा जो एलिमेंटरी कैनल, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, ये सारा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब दूसरा बात देखिए, हार्ट इज वेरी वेरी वेल डेवलप, ठीक। हार्ट इज 4 chamber, HEART, हार्ट इज 4 chamber, हार्ट इज 4 chamber, ठीक। 4 chamber हार्ट हमको कहाँ से मिलने लगा, बार्ड से, एविस से मिलने लगा। पर एक एनिमल ऐसा है रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में जनरली 3 chamber हार्ट मिलता है, पर रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल में 4 chamber हार्ट मिलता है, ये याद रखना बच्चों। आप देखिए, और इसके साथ साथ और एक बात आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि RBC हैव नो न्यूक्लियस, RBC हैव नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, फिश पढ़ा, एम्फीबिया पढ़ा, ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स पढ़ा, एव्स भी पढ़ लिया, ये सारा लोगों में क्या था, आरबीसी जो था वो क्या था बताइए, न्यूक्लिएटेड आरबीसी था,
इस तरह का आरबीसी था बताइए, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक। पर मैमल्स में आरबीसी जो रहेगा ये रहेगा एन न्यूक्लिएटेड, नो न्यूक्लियस, सिर्फ एक्सेप्ट एक एनिमल, मेरा जानकारी में एक एनिमल है जिसका नाम है कैमल, कैमल ऊंट, ठीक है। तो कैमल का जो आरबीसी है, कैमल का आरबीसी में क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना बच्चों। दूसरा बात यहाँ पर, और एक बात जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो मैमल्स है, मैमल्स है वेरी वेल डेवलप ब्रेन, ठीक है, वेल डेवलप, वेल डेवलप, वेल डेवलप ब्रेन, ठीक। और ब्रेन में दो सेंटर जो है, दो लोब जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप, एक तो हो गया कौन सा, एक हो गया सेरिब्रम, CERIBRUM, सेरिब्रम, एंड दूसरा क्या हो गया, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। तो ब्रेन तो वेल डेवलप रहेगा ही, वेल डेवलप ब्रेन में दो पोर्शन है जिसका नाम है सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये भी एग्जाम में पूछता है, याद रखना, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, ये लार्ज हो गया, ठीक, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो गया क्योंकि इसका एक्टिविटी ज़्यादा है। अब देखिए इसका मैं पोजिशन आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मानिए कि ये ब्रेन है, ठीक है, मैं जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये मानिए कि ब्रेन है, ठीक, तो हाँ ये ब्रेन है, तो ये जो पीछे का पोर्शन है ऐसा रिज रिज दिख रहा है, ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका सेरिबेलम, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या हो गया सेरिबेलम, और यहाँ पर इस साइड से मैंने ड्रॉ किया, उस साइड में और एक ब्रेन है, ये जो दिख रहा है, ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये हो गया सेरिब्रम, तो सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, और ये जो छोटा सा मतलब प्रोजेक्शन दिख रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम कौन बताएगा मुझे बताइए, इसका नाम है पॉन्स, PONS, पॉन्स, और नीचे इसका ही नीचे ये जो प्रोजेक्शन है थोड़ा सा ऊंचा, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये जो लॉन्ग सा मतलब ये जैसा दिख रहा है, स्पाइन जैसा दिख रहा है इसको, नॉट स्पाइन, ये जो लॉन्ग ट्यूब जैसा दिख रहा है इसको बोलते कौन सा बताइए, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इससे तो हमारा मतलब नहीं है, तो हम मतलब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से। ये जस्ट राफली मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश किया है, ये तो ये दो पोर्शन मैमल में क्या रहता है, बड़ा रहता है, एक तो सेरिबेलम और दूसरा सेरिब्रम, राइट। और सेरिब्रम ये साइड से आपको एक दिख रहा है और वो साइड में और एक है, ठीक है, तो ये दो सेरिब्रम, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, दो सेरिब्रम एक कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, इंटरनली कनेक्टेड रहता है, और ये जो कॉर्ड है इसका नाम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम, क्या नाम होता है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉर्पस कैलोसम, ठीक। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय ए कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्पस कैलोसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, कितना पेयर्स क्रेनियल नर्व रहेगा, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, मैमल्स में 12 पेयर्स क्या रहेगा, क्रेनियल नर्व रहेगा, तो एक साइड का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से इस साइड से 12 निकलेगा, और उधर साइड से जो बोर्ड के साइड में उस साइड से 12 निकलेगा, ठीक है, तो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व हो गया। और ये अगर ह्यूमन बींग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर भी 12 पेयर रहेगा, और यहाँ ये क्या है, नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, स्पाइनल, स्पाइनल रीजन से 31 पेयर नर्व रिलीज होता है, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग में क्या बोला जाता है, ह्यूमन बींग में 12 पेयर क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व, ये याद रखिएगा। पर ऑल मैमल्स में, सारा मैमल्स में क्या रहेगा, 12 पेयर क्रेनियल नर्व कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, ठीक, तो ये बात याद रखना। अब देखिए एक और बात है कि ये जो ईयर है, मैमल्स का जो ईयर है, ठीक, ई ए आर, ईयर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, हाउ मेनी पार्ट, थ्री पार्ट, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दूसरा होता है मिडिल ईयर, ठीक, तीसरा होता है कौन सा, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है, और ये जो इंटरनल ईयर, ठीक,
ये इसको क्या बोला जाता है, रियल ईआर, ठीक। क्योंकि इसलिए रियल ईआर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर एक ऑर्गेन रहता है, ठीक है, जिसका नाम ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाइन, ऑर्गेन ऑफ CORTI, कॉर्टाइन, ठीक। ये जो ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाइन है एक्चुअली यही हमको सुनने के लिए मतलब मदद करता है, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसलिए ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाइन को क्या बोलते हैं, एक्चुअल हियरिंग ऑर्गेन, ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी कॉर्टाई या कॉर्टी इज कॉल्ड एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गेन व्हिच इज सिचुएटेड इन इंटरनल ईयर। और मिडिल ईयर में क्या होता है, बॉडी का सबसे छोटा छोटा तीन बोन पाए जाते हैं, ठीक है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, जिसको कुल मिला के क्या बोला जाता है, ईयर ऑसिकल। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है ईयर ऑसिकल। और ये तीन बोन में से सबसे स्मॉलेस्ट बोन बॉडी का उसको बोला जाता है स्टेप्स, ये बात याद रखना आप, ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। नाउ ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, मतलब ये क्या करता है, बच्चा पैदा करता है, बट एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्ट एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट, एगलिंग मैमल, EGG एग लेइंग मैमल्स। कुछ मैमल्स ऐसा भी है जो अंडा देता है, और वो जो एक्सेप्शन है, आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, नीट एग्जाम के लिए, ठीक, वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर उसका एग्जाम्पल, कि सारा मैमल्स, हम तुम, ठीक है, गाय, भैंसे, कुत्ता, बिल्ली, लायन, टाइगर, हाँ, ओरांग ओटांग, हनुमान, सारा क्या रहता है, विविपेरस रहता है, बट एक्सेप्ट एगलिंग मैमल्स। कुछ मैमल्स ऐसा भी होता है जो अंडा देता है, और उसका नाम मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये पहला क्या नाम है, डक बिल प्लाटिपस, DUCK, डक बिल प्लाटिपस, डक बिल प्लाटिपस, मतलब डक बिल इसलिए बोला जाता है, जैसे कि हांस, डक आपने सुना होगा, हांस के जैसा क्या रहता है, चोच रहता है, इसका बीक रहता है, इसलिए डक बिल प्लैटिपस बोला बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल यहां पर लेंगे जिसका नाम स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी एंट ईटर, ठीक, इसका बॉडी में स्पाइन रहता है इसलिए स्पाइनी, और ये चींटी को खाता है इसलिए क्या बोला जाता है, स्पाइनी एंटीटर। एक मजेदार बात यहाँ पर बताना चाहूंगा बच्चों, देखिए मैं एक मेल हूँ, ठीक, तो मेरे में भी क्या है, मैं मैमल्स हूँ, मेल हूँ पर मैमल्स हूँ, ठीक है, तो मेरे में क्या रहेगा, मेमरी ग्लैंड, पर मेरा जो मेमरी ग्लैंड है, मेरा जो ब्रेस्ट है, वो क्या रहेगा, इनएक्टिव, मैं कभी भी मेरा बच्चा को दूध नहीं पिला सकता, ठीक है, मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मेरा बीबी को मैं कंट्रीब्यूट किया स्पर्म, तो मेरा बच्चा पैदा होगा, ठीक है, बाकी सारी कुछ क्या करेगा, दूध पिलाने का काम फीमेल करेगा। मैं भी मेरा माँ के पेट से जन्म हुआ, आप भी मेरा आपके माँ के पेट से जन्म हुआ, तो माँ ही हमेशा क्या करता है, दूध पिलाता है। पर क्या होता है, एक्सेप्शन यहाँ पर हमको ये मिलेगा कि ये जो स्पाइनी एंटीटर, इसको इसका साइंटिफिक नेम जो है, इसको बोला जाता है एचिडना, ECHIDNA, एचिडना भी बोला जाता है, ठीक, साइंटिफिक नेम। ये एचिडना क्या करता है, स्पाइनी एंटीटर क्या करता है, इसका जो मेल है, मेल कैन प्रोड्यूस मिल्क, MALE, मेल कैन प्रोड्यूस मिल्क एंड इट कैन नरिश देयर बेबी, ठीक। और ये जो कंडीशन है, ये जो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं बोल सकते क्योंकि एक कुदरत का खेल है, हम जानते नहीं कि क्या किसके साथ क्या होने वाला है, तो ये जो कंडीशन है मेल एचिडना का या मेल स्पाइनी एंटीटर का, इसको बोलते गाइनेकोमेस्टिज्म। क्या बोलते बच्चों, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, GYNECO, गाइनेको मेस्टिज्म, MASTISM, राइट, इस घटना को क्या बोला जाता है, गाइनेकोमेस्टिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक। दूसरा बात देखो, ये जो मैमल्स है इसमें और एक खासियत रहेगा, ऑल मैमल कॉन्टेन प्लासेंटा, वेल डेवलप प्लासेंटा, यहाँ पर क्या रहता है, कॉन्टेन प्लासेंटा, ठीक। हम जब पैदा होता है, पैदा होता हूँ तो माँ के पेट में एक पतला सा मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या रहते, कोवर रहते, जैसे कि मान मानिए कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक, ये एक प्रेग्नेंट लेडी, तो ये माँ का पेट है, तो माँ का पेट में यहाँ पर ये जगह पे हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ जन्म, तो
तो माँ के पेट में हम क्या है मतलब एक पतला मेम्ब्रेन से घिरा हुए रहते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा। ठीक, ये प्लासेंटा सारा मैमल्स में रहेगा एक्सेप्ट ये जो एगलिंग मैमल्स है जैसे कि डकबिल, प्लैटिपस, स्पाइनी एंटीटर, इसमें प्लासेंटा नहीं रहेगा। ये भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। दूसरा मैमल्स को और एक बात बोलते हैं, इसको बोलते दे हैव एमनियोटिक सॉरी दे आर एक्चुअली एमनियोट्स, दे आर कॉल्ड एमनियोट्स। मैं दूसरा कलर से यहाँ पर कर देता हूँ, मैमल्स आर कॉल्ड एमनियोट्स, दे आर एमनियोट्स। ये बात मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ, इसका डायग्राम भी दे चुका हूँ, तो इस बार मैं डायग्राम नहीं देने वाला हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एमनियोट्स इसलिए बोलेंगे उसको, मैं एक कारण डिस्कस कर दे रहा हूँ, एमनियोट्स इसलिए बोलेंगे बिकॉज दे हैव एमनियोटिक मेम्ब्रेन, दे हैव कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, दे हैव योक सैक एंड दे हैव एलेंटॉइस। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो भी एमनियोट्स रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। और वो एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन में क्या क्या बताया आपको अभी अभी मैंने, एक बताया एमनियन, एमनियन रहेगा, एक रहेगा कोरियन, CHORION कोरियन, एक रहेगा योक सैक, YOLK योक सैक, और एक क्या रहेगा एलेंटॉइस, एलेंटॉइस रहेगा। ये चारों भी, चारों का चारों मेम्ब्रेन भी क्या रहेगा, ये आपका मैमल्स में प्रेजेंट रहेगा, इसलिए मैमल्स को क्या बोला जाता है एमनियोट्स। और बर्ड्स में भी ये मेम्ब्रेन पाया जाएगा, तो बर्ड्स को भी क्या बोला जाता है एमनियोट्स बोला जाता है। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इसमें क्या है बताइए, इसमें कोई भी ऐसा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो उसको बोलते हैं एमनियोट्स, राइट। अब बच्चों क्लासिफिकेशन के पहले कुछ और पॉइंट बच गया आपके पास, ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने, दे आर डोमिनेंट इन ऑल एनिमल ड्यू टू दे आर बेटर डेवलप ब्रेन, ठीक है, सबसे सुपीरियर डेवलप ब्रेन किसके पास मिलता है, मैमल्स के पास मिलता है, इसलिए ये पूरा दुनिया में राज कर रहा है, ये डोमिनेंट है, ठीक। अब हम देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल मैमल्स का, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एक तो पहले बताना चाहूँगा आपको मैक्रोपस, मैक्रोपस कौन है, मैक्रोपस एक साइंटिफिक नेम है, इसका एक्चुअल कॉमन नेम क्या है, कैंगारो, KANGARO कैंगारो, ठीक। तो अब कैंगारो का तो नाम सुना होगा कि, और एक कैंगारो का एक खासियत ये है कि कैंगारो आर ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कैंगारू और कहीं पे भी पाया नहीं जाएगा। अगर कहीं पे आपको दिख गया तो मतलब क्या है, उसका ओरिजिनल ओरिजिन कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहूँगा आपका बैट, ठीक। बैट आपको लगेगा कि ये पक्षी है, पर ये पक्षी नहीं है, ये गलती मत करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बैट क्या है, फ्लाइंग मैमल्स, ठीक है, ये उड़ता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये बैट का साइंटिफिक नेम भी हमको जानना चाहिए, इसका नाम क्या है, टेरोपस, PTE टेरोपस, ठीक, ये याद रखना। यहाँ पर पी का प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, तो ये याद रखना, बैट इज फ्लाइंग मैमल्स, राइट, एंड इट इज नॉट ए बर्ड, इट इज मैमल्स, याद रखना। आप देखिए यहाँ पर कैमल, CAMEL कैमल हो गया, ऊंट, जिसके पास क्या है बताया मैंने MCQ, इसका जो RBC है ये न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद काऊ, डॉग, ठीक, कैट, उसके बाद टाइगर, लॉयन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर MCQ में ये भी पूछा जाता है, देखिए एक्वेटिक मैमल्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, एक्वेटिक मैमल कौन है, आपने डॉल्फिन का नाम सुना होगा, डॉल्फिन जो है ये एक्वेटिक मैमल, ये कोई फिश नहीं है, नॉट ए फिश, ये गलती मत कर, नॉट ए फिश, ये कोई भी फिश नहीं है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डॉल्फिन क्या है, मैमल से, ठीक है। और दूसरा, और एक दुनिया का सबसे लंबा और सबसे लार्जेस्ट एनिमल, जिसका नाम क्या है, ब्लू व्हेल, BLUE ब्लू व्हेल, WHALE ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड ब्लू व्हेल हैव लॉन्गेस्ट पेनिस, LONGEST
पेनिस बच्चों, इसका पेनिस है जो ब्लू हेल है, इसका पेनिस सबसे लॉन्गेस्ट है, ये बात याद रखना। और ब्लू हेल क्या है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एनिमल इन द एनिमल किंगडम। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। बच्चों हम लास्ट पार्ट में आ गया और ये चैप्टर हम खत्म करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, मैं जो जीस्ट है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में। तो मैमल्स को इनिशियली दो सब क्लास में डिवाइड किया गया। मैमल्स एक क्लास है, इसको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया, सब CLASS सब क्लास शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए क्या सब क्लास है, एक तो है प्रोटोथेरिया, दूसरा सब क्लास है थेरिया, ठीक। तो प्रोटोथेरिया के अंदर क्या आता है, दो एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया मैंने, एक तो है ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस का कॉमन नेम क्या है, डार्क बिल प्लैटिपस, ठीक, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हो। दूसरा एनिमल क्या लिया यहाँ पर एग्जांपल में, स्पाइनी एंटीटर, ठीक, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको बताया। और ये जो एनिमल है प्रोटोथेरिया ग्रुप मतलब सब क्लास में, यहाँ पर क्या रहता है, दे हैव नो प्लासेंटा, यहाँ पर कोई प्लासेंटा नहीं रहता, और दे आर एगलिंग मैमल्स, ये खाली अंडा देता है। बाकी मैमल्स क्या रहेगा, बाकी मैमल्स होगा विविपेरस, राइट। अब देखते हैं थेरिया के अंदर क्या है, सब क्लास थेरिया। सब क्लास थेरिया में क्या है, यहाँ पर मैंने नाम लिखा मैक्रोपस। मैक्रोपस क्या है, मैंने बताया था ये कैंगारू है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ये जो मैक्रोपस मतलब कैंगारू, इसको बोलते पाउच मैमल, ठीक है। अब देखना कि कैंगारू का एक पाउच रहता है, उसका जो प्री मेच्योर बेबी वो पाउच के अंदर रख के क्या करता है, इसका टेक केयर करता है, ठीक है। इसलिए मैक्रोपस या कैंगारू को बोलते पाउच मैमल, एग्जाम में पूछता है, आप याद रखना, ठीक। दूसरा यहाँ पर श्रीव, चूहा जैसा कुछ दिखता है। उसके बाद वैम्पायर बैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैम्पायर बैट, ठीक है। वैम्पायर बैट अफ्रीका में पाए जाते हैं और एक खून चूसने वाला है होता है। इवेन दिस वैम्पायर बैट कैन फीड द ब्लड ऑफ ह्यूमन ऑल्सो, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा बात यहाँ पर स्क्विरल, ठीक है। उसके बाद बॉस, बॉस साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम, काऊ का साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद रैट होता है, स्क्विरल होता है, ठीक, ये सारा क्या होता है बताइए, मैमल्स ही होता है, लायन टाइगर वगैरह वगैरह, ठीक। अब देखिए रैट और स्क्विरल में क्या होता है, मैंने टीथ के बारे में आपको बताया था। रैट और स्क्विरल में इंसिजर और प्रीमोलर के बीच में, इंसिजर एंड प्रीमोलर के बीच में कौन सा टीथ होता है, कैनाइन होता है। रैट में, स्क्विरल में, ये लोगों में क्या होता है, इसको रोडेंट्स बोलते हैं, ये लोगों में एक कैनाइन नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, एक गैप दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट मतलब एक डायग्राम बनाना चाहूँगा, ठीक, ये मानिए कि कैनाइन है चार, सॉरी कैनाइन नहीं है, ये चार इंसिजर है। अब चार इंसिजर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैनाइन होना चाहिए, पर कैनाइन ना होके यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, प्रीमोलर शुरू हो जाता है, प्रीमोलर शुरू हो जाता है, ठीक, प्रीमोलर। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मोलार रहता है, ठीक, यहाँ पर ये तीन मोलार होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक गैप रहता है, किसमें, स्क्विरल, उसके बाद रैट। तो ये जो गैप है, ये गैप को पार्टिकुलरली बोलते हैं डायस्टेमा, क्या बोलते हैं इसको, इस गैप को बोलते DIASTEMA, डायस्टेमा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए याद रखना। अब देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा आपके लिए, ठीक, एक डायग्राम आपके लिए बनाना चाहूँगा। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया, ठीक, देखिए इसका ऐसा है, ठीक है, इसका टेल है। अब बताइए तो बच्चों ये किसका डायग्राम बनाया, ये एक्चुअली ये है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एनिमल इन द एनिमल किंगडम, ठीक। और इसके बारे में क्या बताया मैंने, दे हैव लार्जेस्ट पेनिस, हाँ, और इसका बॉडी में जैसे कि मैंने बताया था मैमल्स का बॉडी में हेयर रहता है, दे हैव नो हेयर, नो
हेयर, इसका बॉडी में कोई हेयर नहीं रहता डॉल्फिन के बॉडी में, एक्सेप्ट लिप में, एक्सेप्ट लिप, लिप रीजन में, इसका जो लिप है लिप रीजन में कुछ हेयर दिखने को मिलता है। एंड मैमल का बॉडी में और एक कैरेक्टर बताता है, मैमल्स में ग्लैंड्स रहता है, स्किन में ग्लैंड रहता है। एंड ये जो व्हेल है, ब्लू व्हेल है, इसका बॉडी में कोई ग्लैंड नहीं मिलता, नो ग्लैंड, नो ग्लैंड, ये भी बात याद रखना ठीक। और इसका बॉडी में और एक खासियत होता है, इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी के नीचे थीक क्या होता है, फैटी लेयर होता है। ये जो लेयर है ये क्या होता है, फैट का लेयर है, और ये जो फैट का लेयर इसको बोलते हैं ब्लूबर, क्या बोलते हैं इसको, ये जो फैट लेयर है इसको बोलते हैं ब्लूबर, बी एल यू, बी एल यू बी बी ई आर, ब्लूबर फैट लेयर। इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि कुछ शिकारी हंटर रहता है जो ब्लू व्हेल को शिकार करता है, किसके लिए, ये फैट का लालच में, ये फैट का करते हैं, ये पिघला के मार्केटाइज करता है, तो बहुत पैसा मिलता है ठीक है। पर ये चोरा जो मतलब लोग है, ये जो लोग है खराब लोग है, इसको फांसी का सजा सुनाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मैमल्स है और कोई भी एनिमल का बचने का हक है बच्चों, याद रखना। ये जो थिक फैट लेयर इसको क्या बोलेंगे, ब्लू बार, यार ये बात याद रखना। अब ये जो आपका कौन है, मैमल्स है, ब्लू व्हेल, इसका क्या होता है, लॉन्गेस्ट पेनिस तो होता है, और इसका और एक खासियत होता है, इसका जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या रहता है, टेस्टिस इज एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ठीक है। क्या मतलब है इसका बच्चों, टेस्टिस एब्डोमिनल, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक मेल हूँ, आप बहुत बच्चा है मेरा जो ये वीडियोस देखेगा, देख रहा है, तो मेल का टेस्टिस क्या रहता है, बाहर रखा गया स्क्रोटम के अंदर ठीक है। बच्चों ये डायग्राम मैं मिटाना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल है क्या ठीक है। टेस्टिस जो है ये क्या है, मानिए कि ये स्क्रोटम है ठीक, और ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पेनिस है, और यहाँ पर ये इसको क्या बोला जाएगा, स्क्रोटम, एस सी आर ओ टी यू एम, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम को देखिए बॉडी के बाहर रखा गया, और ये क्या है, इसके अंदर स्क्रोटम के अंदर क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म पैदा होता है ठीक। पर ये जो ब्लू व्हेल है इसका टेस्टिस कैसा है, एब्डोमिनल, मतलब पेट के अंदर रहता है ठीक। तो ये बात याद रखना बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम। आई थिंक यू एंजॉय वीडियो लॉट, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।